तो हेलो राइडर भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए लेकर जीपीएस ट्रैक सिस्टम, ये खड़ी हमारी निंजा 300। इसमें लगाएंगे हम जीपीएस। इससे क्या होता है, इससे हम अपने मोबाइल में अपनी गाड़ी की लोकेशन देख सकते हैं कि कहाँ खड़ी है और कहाँ जा रही है। लाइव लोकेशन दिखाता है ये। इसमें कंपनी से इंस्टॉल होकर आता नहीं है, इसमें इंस्टॉल करेंगे हम एक्स्ट्रा। तो ये खोल लिया हमने इसकी सीट, फटाफट करते हैं इसकी सीट को, सीट में इंस्टॉल से ये बैटरी खोल रहे हैं हम। बैटरी में लगाएंगे इसके प्लस माइनस के तार, डायरेक्ट बैटरी से करेंगे इसको कनेक्ट। तो बैटरी दी हमने खोल इसकी, अब करते हैं इसकी जीपीएस की तारों में वायरिंग। वायरिंग में टेप करते हैं इसकी जीपीएस की, जो जीपीएस की हमारी वायरिंग है, फटाफट से फटाफट जीपीएस वायर में करते हैं टेप। अब कर दिया हमने जीपीएस वायरिंग में टेप जहां तक हमें जरूरत थी। अब करते हैं इसको बॉडी में इंस्टॉल। सारी वायर करेंगे इसके हम अंडरग्राउंड, कोई वायर इसकी ओपन नहीं रहेगी और ये बॉडी के अंदर ही रहेगा। जीपीएस फ़ोन में लोकेशन पता चलती रहेगी गाड़ी की, कहाँ खड़ी है, कहाँ चल रही है। कोई अगर आपसे मांग के लेके जाता है तो भी पता चल जाएगा। तो फटाफट इसकी वायरिंग निकालते हैं अंडरग्राउंड पूरी। अब इसको डायरेक्ट करेंगे हम बैटरी से कनेक्ट। Watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it close. Wiring हमने निकाल चुकी है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा करना पड़ता है। अभी इसमें बैटरी की तार में देंगे हम प्लस माइनस वाली तार, दोनों प्लस में, एक प्लस में जाएगी एक माइनस में जाएगी। और जो हमारी ये ऑरेंज वाली तार है ये जाएगी हमारी इग्निशन लॉक में, और येलो वाली तार हमारी एक्स्ट्रा होती है, इसको हम हटा देंगे। फटाफट करते हैं इसको बैटरी से कनेक्ट जल्दी से वायर छील के। अब माइनस वाली तार करते हैं हम फिटिंग बैटरी की डायरेक्ट टर्मिनल में। फिटिंग करने के बाद हम देंगे इसके माइनस वाली तार, माइनस में लगा दिए। अब प्लस वाली तार लेंगे, प्लस में लगाएंगे। फटाफट लगाते हैं प्लस में। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को नई से नई वीडियो देखने के लिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब करते हैं इसके हम रेड वाली तार करते हैं प्लस में। जल्दी नहीं करना, वायरिंग का काम है, थोड़ा आराम से करते हैं। और फटाफट इसकी लगाते हैं प्लस में तार। जैसा आप देख रहे हैं ऐसी फिटिंग करनी है इसकी जीपीएस की। और इसको लगाने के बाद जो ऑरेंज वाली तार रहेगी हमारी वो जाएगी इग्निशन स्विच में। तो इग्निशन स्विच में तार के लिए बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इग्निशन होता है आगे, हम इसमें देंगे। यहीं पीछे जो ब्रेक स्विच की तार आती है उसमें देंगे हम इसे। प्लस माइनस कर दिए हमने फिट। अब लेते हैं ऑरेंज वाली वायर। ऑरेंज वाली वायर आएगी सीधे ब्रेक स्विच की कपलिंग में। इस इग्निशन में जब हम ऑन करते हैं तो ब्राउन कलर की तार होती है, इसमें करंट आएगा, तो ये इग्निशन में जा रही थी तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको यहाँ ब्रेक स्विच में देते हैं। इग्निशन ऑन करते ही इसमें करंट आ जाएगा। ब्राउन कलर की तार में आपको देनी है ये ऑरेंज वाली, ऑरेंज वाली आप ब्राउन कलर की वायर में दे दें, छील कर आराम से। कोई वायर नहीं काटनी है, सब प्लग इन प्ले का काम करना है इसमें। पूरी गाड़ी में कोई वायरिंग नहीं कटेगी आपकी, ऐसे फिट हो जाएगा। तो ये ऑरेंज वाली वायर गई हमारी इसमें, और जो हमारी येलो वायर बची है इसको हम काट देंगे। येलो वाली वायर को हमारे काट देंगे क्योंकि ये अलग तरीके से फिटिंग होता है अलग गाड़ी में, इसको हम काट देंगे। तो ये हमारी प्लस माइनस दोनों बैटरी में आ गई हैं। ऑरेंज वाली जो है हमारी ब्रेक स्विच में चली गई, पीली वाली तार कट गई। अब इसको करते हैं ऑन। ये देखिए मेरा हाथ में जीपीएस है, ये हो चुका है ऑन, इग्निशन ऑन हो चुका है, ये लाइट जल गई है इसमें, देखो रेड कलर की लाइट दिख रही है जलती हुई। ये जीपीएस हो गया है ऑन। अब इसको सीधे मोबाइल से होगा ये कनेक्ट। तो गाइस इसके कनेक्शन हो चुके हैं पूरे। अब इसको फिट करते हैं और इसको हम रखेंगे यहाँ, जल्दी से बांधते हैं इसको वायरिंग अंदर करके टाई बेल्ट से। टाई बेल्ट से बांधने के बाद इसको हम कर देते हैं फिट। और
ये बन चुका है। अब इसको करते हैं पूरी गाड़ी को फिट। फिट होने के बाद ये मोबाइल से आपके कनेक्ट हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।